देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कई प्लेटफॉर्म और ऐप मौजूद हैं। इन अलग अलग ऑनलाइन पेमेंट ऐप का आपस में भी मुकाबला चलता रहता है। अब ऑनलाइन पेमेंट ऐप गूगल पे ने मई महीने में एक नया मुकाम हासिल किया है। दरअसल पिछले महीने गूगल पे ऐप के जरिए 24 करोड़ से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन हुआ है। इसी के साथ गूगल पे ने ट्रांजैक्शन के मामले में दूसरे मोबाइल वॉलेट पेटीएम या फोन पे को पीछे छोड़ दिया है। मई में फोन पे के ऐप से 23 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शन हुआ, तो वहीं पेटीएम के जरिए 20 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शन किया गया। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सरकार के भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप को लेकर है। सरकार की ओर से प्रचार के बावजूद इस ऐप से मई महीने में सिर्फ 1.5 करोड़ ही ट्रांजैक्शन हुए हैं। मई महीने में गूगल पे के ऐप से 55,000 करोड़ रुपए रकम की ट्रांजैक्शन का अनुमान है। इसी तरह फोन पे से 44,000 करोड़ रुपए रकम का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वहीं पेटीएम के जरिए 38,200 करोड़ रुपए की लेनदेन हुई है। बता दें कि गूगल तेज के तौर पर लॉन्च हुआ गूगल पे एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। इस ऐप की मदद से यूनिफाइड पेमेंट्स ऐप इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए पैसा भेजा या मंगाया जा सकता है। इसके साथ ही गूगल पे ऐप के जरिए बिल पेमेंट की भी सुविधा मिलती है। इस ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन के साथ अलग अलग तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं। हालांकि एक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का जरिया बना यूपीआई इस्तेमाल के लिहाज से पिछड़ रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के आंकड़ों के मुताबिक मई में UPI ट्रांजैक्शन अप्रैल के मुकाबले 6% कम रहा है। आंकड़ों में बताया गया है कि अप्रैल में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या 78.1 करोड़ पर थी, जो मई में 73.3 करोड़ पर रही। मार्च में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या रिकॉर्ड 79.9 करोड़ रही थी। तो कुल मिलाकर गूगल पे ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पेटीएम और फोन पे को पीछे छोड़ दिया है।